क्या दोस्तों, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते जा रहे हैं, स्कैल्प नजर आने लगी है, बाल धोते टाइम, बालों में तेल लगाते टाइम बाल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। वैसे भी सर्दियों के मौसम में बालों का टूटना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गिरना बढ़ जाता है, डैंड्रफ बढ़ जाती है और स्कैल्प पे इचिंग होने लगती है, यानी खुजली की प्रॉब्लम भी होने लगती है। क्या इन सारी चीजों का सोल्यूशन आपको चाहिए? आज इस वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो है खास आप लोग के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं प्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं प्रोटीन हेयर ऑयल घर में कैसे बनाएं, यानी कि होममेड प्रोटीन हेयर ऑयल बनाना हम घर में सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रोटीन से ही हमारे बाल बने हुए होते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपके बालों का झड़ना कम हो जाए, बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए, हेयर थिनिंग खत्म हो जाए, सारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है बालों की वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमारे बालों को चाहिए प्रोटीन भर भर के, भरपूर मात्रा में प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जब आप अपने बालों को दोगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे और वापस से ग्रो करने लगेंगे। जो बाल झड़ गए हैं, गिर गए हैं, वो वापस से आने लगेंगे। क्योंकि इस हेयर ऑयल को मैं 15-20 दिन से इस्तेमाल कर रही हूं बना के, और आप देख रहे हो जो आपको ये मेरे उड़े उड़े से बाल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बेबी हेयर हैं। जो बाल गिर गए थे वो वापस से आने लगे हैं। तो जब वो मुझ पे फायदा कर सकता है तो आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो देर किस बात की है, इसको बनाओ, इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। क्योंकि इस ऑयल में एक तो हमने सारे जितने इंग्रेडिएंट हैं वो घर के इस्तेमाल किए हैं, और ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिनमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो देर किस बात की है, आइए जल्दी से देखते हैं इस हेयर ऑयल को आप कैसे बनाओगे और कैसे इसका तरीका है सही से इस्तेमाल करने का, जिससे आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो देखते हैं, बस आप मेरी वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जिससे वो भी इसका फायदा ले सके। हेयर ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी लीजिए, उसमें आप डालोगे 3 चम्मच फेनुग्रीक सीड यानी मेथी के दाने। मेथी के दानों में आयरन और प्रोटीन होता है बहुत अच्छी मात्रा में, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों का झड़ना रोकने में मदद करता है, बालों की जड़ों को भी मजबूती देता है। तो ये मैंने ले ली। इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे कलौंजी के दाने। कलौंजी के दाने आपको 1.5 चम्मच लेने हैं, यानी कि मेथी के आधे। इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों का झड़ना गिरना रोकने में मदद करते हैं, बालों को लंबा काला घना बनाता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट लिए। इसके बाद हम लेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर की ये कॉर्न्स, ये आपको 10 से 15 लेनी है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो बालों की ना सिर्फ हेल्थ को अच्छा करता है, स्कैल्प के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसे इस्तेमाल करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है स्कैल्प का, जिससे बाल बढ़ते हैं, बालों का गिरना कम हो जाता है। तो ये हमने ले लिया। इसके बाद आपको लेने हैं 3 तेज पत्ते यानी कि बे लीफ। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बेनिफिशियल है बालों के लिए। तो 3 तेज पत्ते मैंने लिए। इनको आप थोड़ा सा छोटा छोटा पीसीज में इस तरह से तोड़ लो। जितने भी इंग्रेडिएंट लेने हैं हमको, सारे ड्राई लेने हैं, इनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको मैंने डाल लिया। अब आपको लेना है करी पत्ता। कम से कम 20-25 करी पत्ते आपको लेने हैं, जो कि सूखे हुए होने चाहिए। धूप में सुखा लीजिए इनको, इस तरह के हो जाएंगे, या फिर आप पाउडर इस्तेमाल करिए करी लीफ का। दोस्तों, करी लीव्स में बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है, जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों का झड़ना रोकता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है जो बाल गिर गए हैं उनको दोबारा से उगाने में मदद करता है, रीजनरेट करता है हेयर फॉलिकल्स को। इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको पीसना है, पाउडर बनाना है। तो मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट का फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल फाइन होना चाहिए। इसको आप एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आपको आगे क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है, मेजर करना है, उसमें नापना है सरसों का तेल। सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, विंटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे। मैंने फॉर्चून का लिया है मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने डाल लिया। इसके बाद इसमें कैस्टर ऑयल डालना है, यानी अरंडी का तेल। लगभग 1 चम्मच अरंडी का तेल इसमें आप डाल के अच्छे से मिक्स कर लो।
इसके बाद आपको या तो स्टील का बोल लेना है या फिर एक ग्लास बोल लेना है, कटोरी लेनी है। उसमें इस तेल को डाल लेंगे और जो पाउडर हमने तैयार किया है उसको भी इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप इसे साइड में रख दो। इसके बाद आप एक बड़ा बर्तन लो, क्योंकि इस ऑयल को बनाने के लिए आप दो तरह के मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। या तो डबल बॉयलर मेथड, यानी गर्म पानी में इसको रख कर हमें बॉईल करना है, डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं बॉईल करना है, या तो इन्फ्यूज मेथड, या तो आप इसको मिक्स करके डायरेक्ट शीशी में भर के सनलाइट दिखाओ। उसके लिए आपको 1-2 हफ्ते का वेट करना होगा, इसलिए हम डबल बॉइलिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बड़ा बर्तन लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए गैस को कर देंगे बंद और इस कटोरी को इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा पानी इस ऑयल में आना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पानी लें बस। जैसे ही आप इस बोल को इसमें रखोगे आप देखोगे छोटे छोटे बबल्स आने लगेंगे ऑयल में, क्योंकि इससे ये गर्म हो रहा है ऑयल और सारे इंग्रेडिएंट इस ऑयल के साथ मिक्स हो रहे हैं। इसको हल्के हाथों से चलाते भी रहिए, मगर बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, गर्म बर्तन या पानी से आपका हाथ ना जल जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको किया। अब इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए इसी बड़े बर्तन में छोड़ दो। 5 मिनट होने के बाद आपको इस ऑयल को अच्छे से मिक्स करके एक साफ सुथरे और सूखे हुए ग्लास के जार में, जो एयर टाइट हो, स्टोर करके रख सको जिसमें इस ऑयल को, वो लेना है और इस ऑयल को इसमें ट्रांसफर कर लेना है। इस ऑयल को आप स्टोर करके रख सकते हो 1 से 2 मंथ के लिए आराम से। और जब भी यूज करना हो एक अलग से कटोरी लो, उसमें इस ऑयल को निकालो और इस्तेमाल करो। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ज्यादा बढ़िया सा ऑयल बन के तैयार हुआ है और इसको लगाना भी बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप अपनी पूरी स्कैल्प पे लगाओगे मांग निकालते हुए, यानी पार्टीशन करते हुए। स्कैल्प पे लगाओ, अच्छे से मसाज करो, बालों की लेंथ में भी लगाओ। और एक चीज का ध्यान रखो, इन्वर्जन मैथड इसमें आप यूज करो, यानी कि अपने बालों को पूरा नीचे गिरा लो और फिर हल्के हाथों से मसाज करो। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है स्कैल्प का, जिससे कि बालों की जड़ मजबूत होती है, बाल मजबूत हो जाते हैं, गिरते कम है और बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, तो इसको इस्तेमाल भी करो ना, जब इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से बालों में ऑयल लगाना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, और इसको कम से कम शैम्पू करने से 1 घंटे पहले आपको लगाना है और 1 घंटे तक रखना है। अगर आपके पास रात में टाइम है तो आप इसको रात में लगा के ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप जब भी शैम्पू करो अपने बालों में लगाओ और इसका फायदा उठाओ। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर लगाइए। इसका बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब ये ऑयल खत्म हो जाए इसको दोबारा बनाओ और इस्तेमाल करो। तो सोच क्या रहे हो, देर किस बात की है, जल्दी से इसको बनाओ, इस्तेमाल करो। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, जल्दी से कमेंट करो। और शेयर करना नहीं भूलना इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले सके, नेचुरल चीजें इस्तेमाल कर सके। और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी अच्छी अच्छी आने वाली नई वीडियोस की। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।